हाय फ्रेंड्स, मैं भावना, ट्रेनर ऑफ टेकमेक इंस्टीट्यूट ऑफ एडवांस टेक्नोलॉजी। आप सभी का स्वागत करती हूँ हमारे यूट्यूब चैनल टेकमेक इंस्टीट्यूट ऑफ एडवांस टेक्नोलॉजी में। आज के इस ट्यूटोरियल में हम बात करेंगे यहाँ पे डिफरेंट बिटवीन एक्चुअल एंड बिल क्वांटिटी। ठीक है, डिफरेंट क्या होता है एक्चुअल और बिल क्वांटिटी में, तो चलिए वीडियो स्टार्ट करते हैं। उससे पहले फ्रेंड्स, अगर अभी तक आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए और उसके साइड में जो बेल आइकन दिया है उसको प्रेस करना ना भूलें। ओके, इससे हम जो भी न्यू वीडियो अपलोड करें उसकी नोटिफिकेशन आप लोग को मिलती रहे। ठीक है, और अगर अभी तक आपने हमारे पिछली वीडियोस को नहीं देखी है तो इस वीडियो के लास्ट में आपको डिस्क्रिप्शन मिल जाएगा। ठीक है, आप उस वीडियो को देख लीजिएगा। चलिए स्टार्ट करते हैं वीडियो। देखिए, हम लोग आएंगे अकाउंटिंग वाउचर पे। ठीक है, और हमें चाहिए यहाँ पे सेल, सिंपल हम लोग सेल करते हैं। यहाँ पे हम लोग क्या करते हैं, आइटम नेम लेते हैं, पार्टी नेम देते हैं और क्वांटिटी रेट देन अमाउंट देके हम लोग यहाँ पे सेल कर देते हैं। बट कभी कभी आप लोग देखिए शॉप वगैरह पे जाते होंगे या फिर हम क्या करते हैं वहाँ पे जाते हैं तो लिखा होता है बाई वन गेट वन फ्री। ठीक है, या बाई टू गेट वन फ्री, मतलब एक्चुअल में हमें सामान कितना मिलता है, बाई टू गेट वन फ्री, मतलब एक्चुअल में हम दो खरीद रहे हैं और तीन हमें, मतलब एक फ्री मिल रहा है तो हमें तीन आइटम हमें मिले हैं। एक्चुअल में कितना मिल रहा है, तीन मिल रहा है, बट वहाँ पे ऑफर चल रहा है कि बाई टू गेट वन फ्री, तो मतलब पेमेंट हमें कितने की करनी है, बिल कितने का पे करना है, हमें दो का करना है। ओके, तो आप लोग समझ रहे हैं ना कि मतलब हमें आइटम एक्चुअल कितना मिल रहा है, थ्री मिल रहा है, बट हम वहाँ पे कितना पेमेंट कर रहे हैं, कितने का, टू का कर रहे हैं। तो यही चीज़ हम आपको इस वीडियो में बताएंगे। उसके लिए हम लोग क्या करेंगे, F11 करेंगे, देन यहाँ पे F2 प्रेस करेंगे। ठीक है, और इसके बाद यहाँ पे हम एंटर करेंगे। देखिए यहाँ पे दिया हुआ है हमारा ऊपर यूज सेपरेट एक्चुअल एंड बिल क्वांटिटी कॉलम्स। इसको क्या करेंगे, हम यहाँ पे एक्टिवेट कर देंगे, यस कर देंगे। यस करने के लिए हम वाई प्रेस करेंगे, देन एंटर यहाँ प्रेस कर देंगे। ओके, और इसको हम एक्सेप्ट करा देंगे। ठीक है, इसको हमने एक्सेप्ट कराया। ओके, अब हम यहाँ पे आ गए हैं। अब हमें मान लीजिए कुछ चीज़ हमें सेल करना है। ओके, हम यहाँ पे F8 प्रेस करेंगे। ठीक है, या सेल ऑर्डर हमें करना है यहाँ पे, जो भी है यहाँ पे सेल ऑर्डर हम कर रहे हैं, यहाँ पे आए हमारे पास, या हमारे पास कर रहे हैं इसको परचेस ऑर्डर कर रहे हैं। ठीक है, तो देखिए हम ऑर्डर यहाँ पे कर रहे हैं, हमें ऑफर चल रहा है कि हमें यहाँ पे कुछ ऐसा मिल रहा है कि बाई वन गेट वन फ्री, या बाई टू गेट वन फ्री, या बाई थ्री गेट वन फ्री। ठीक है, तो कुछ ऐसा ऑफर चल रहा है, तो यहाँ पे हम पार्टी नेम देंगे जिसको हम लोग यहाँ पे परचेस कर लिए, ऑर्डर देंगे यहाँ पे। ठीक है, तो हमने यहाँ पे कर दिया यहाँ से। सेंटर, ठीक है, आप कुछ भी यहाँ पे नाम दे सकते हैं। कर दिया हमने यहाँ पे। अब ये किस में रहेगा, हमें ये क्रेडिटर है ना, हम क्योंकि इनको ऑर्डर कर रहे हैं यहाँ पे। ठीक है, कि हमें इतना सामान ये चाहिए, हम परचेस करेंगे यहाँ पे, तो सेंट्री क्रेडिटर करेंगे यहाँ पे, देन मेंटेन बिल बाय बिल इसको यस रखेंगे यहाँ पे। ठीक है, उसके बाद इनकी पूरी डिटेल रहेगी जहाँ पे भी आप करना चाहते हैं यहाँ पे। ओके, ठीक है, हमने यहाँ पे एड्रेस कर दिया, ये उत्तर प्रदेश, पिन कोड आप यहाँ पे फिल कर देंगे। देन यहाँ पे बैंक डिटेल आपको प्रोवाइड करना है तो आप यस कर दीजिएगा, अदरवाइज को यहाँ से एक्सेप्ट कर दीजिएगा। ओके, अब मैंने आपको ये पहले बता चुके हैं कैसे यहाँ पे फिल करते हैं, इनका GST नंबर वगैरह यहाँ पे फिल होगा। ठीक है, यहाँ पे देखिए। ओके, उसके बाद यहाँ पे नंबर कर फिल होता है, फिर देन कुछ और यहाँ पे फिल होता है। फॉर एग्जाम्पल आपको बता रही हूँ, आप लोग एक्चुअल में वही GST नंबर डालेंगे जो आपके पास रजिस्टर्ड होगा। ठीक है, टर्म ऑफ पेमेंट हमने यहाँ पे कर दिया चेक से, या बाई कैश कर दिया हमने यहाँ पे। ओके, अदर डिफरेंस देना दे सकते हैं आप यहाँ पे, टर्म ऑफ डिलीवरी कर देंगे यहाँ पे, जैसे भी आप कर देंगे। ठीक है, बाई बस, बाई ट्रेन, जैसे भी आप कहीं सामान अगर दूर भेजना है तो दूर के लिए कैसे वो लोग डिलीवरी करेंगे, कैसे लेके आएंगे। ठीक है, वो सब चीज़ें यहाँ पे सब फिल होता है यहाँ पे। डिपेस थ्रू किसके थ्रू हो रहा है यहाँ पे, हमने कर दिया यहाँ पे। ठीक है, डेस्टिनेशन कहाँ पे जा रहा है, कहाँ से जा रहा है, तो यहाँ पे हम कर देंगे। ओके,
हमने फिल कर दिया, अब यहाँ पे हम कर देंगे पी ओ ऑब्लिक टू कर दें यहाँ पे, ठीक है, क्योंकि एक बार हमने पहले ऑर्डर कर चुके हैं, आपको पिछले वीडियोस में मैं बता चुकी हूँ। अब यहाँ पे हम पी टू करेंगे यहाँ पे, या पी वन जो भी आपको डालना है यहाँ पे ऑर्डर नंबर डाल सकते हैं। पी ओ मतलब होता है परचेस ऑर्डर, ठीक है, आप यहाँ पे 02 मतलब सेकेंड, आप 002 भी कर सकते हैं यहाँ पे, ठीक है। उसके बाद लेज़र यहाँ पे लेंगे, देखिए हमने परचेस लेज़र ऑलरेडी बता चुकी हूँ आपको पिछले वीडियोस में, आप लोग देख लीजिएगा अगर अभी तक नहीं देखा है, ठीक है। यहाँ परचेस एट द रेट 12% लेंगे, अगर आप चाहते चेंज करना करेंगे यहाँ पे तो हम कर देंगे ऑल्ट सी करेंगे यहाँ पे, और यहाँ पे हम कर देंगे परचेस, मान लीजिए 18% हमारा जीएसटी लग रहा है, तो परचेस एट द रेट, ठीक है, 18%, ओके। ये आपका रहेगा, परचेस अकाउंट में जाएगा, ओके, ठीक है। और यहाँ पे अप्लीकेबल करेंगे यहाँ पे, इसको कर देंगे यस, ठीक है। अनडिफाइंड यहाँ पे रहेगा, आपका यहाँ पे रहेगा परचेस टैक्सीबल नेचर ऑफ ट्रांजैक्शन में, ओके। और यहाँ पे हम इंटीग्रेटर कितना डालेंगे, 18% डाल रहे हैं, ठीक है। और सेस को हम कर देंगे 0। अब हम क्या सामान मटेरियल पर ऑर्डर कर रहे हैं ना, तो यहाँ पे हम क्लिक करेंगे गुड्स पे, अगर आप सर्विस, आप सर्विस ले रहे हैं या प्रोवाइड करें तो वहाँ पे आप सर्विस करेंगे, ठीक है। सर्विसेज आपकी आएंगी, लाइक आप किसी इंस्टीट्यूट में काम कर रहे हैं या किसी हॉस्पिटल में आप हैं, और ठीक है, तो यहाँ पे हम सर्विस प्रोवाइड करते हैं स्टूडेंट वगैरह को, इंस्टीट्यूट है, कॉलेज है, स्कूल है, यहाँ पे टीचर्स जो हैं वहाँ के वो स्टूडेंट को सर्विस प्रोवाइड करते हैं, उसके बदले वो पैसे लेते हैं, ठीक है। एंटर करेंगे, अब यहाँ पे आइटम कौन सा हमें यहाँ पे मंगाना है आप देख लीजिए, आइटम डालेंगे यहाँ पे, तो देखिए लावा है यहाँ पे, ठीक है, हमने लावा कर दिया। एंटर करेंगे और यहाँ पे देखिए किस गोडाउन में मंगाना है आपको, मान लीजिए हमने यहाँ पे स्टोरेज गोडाउन ही कर दिया, ठीक है। और यहाँ पे देखिए एक्चुअल, आप यहाँ पे देखिए दिख रहा है एक्चुअल हमें कितना, मान लीजिए इन्होंने कहा कि हम 6 पीस आपको देंगे, ठीक है, अगर आप 5 खरीद रहे हैं तो उसके साथ में एक आपको कॉस्ट ऑफ फ्री रहेगा, मतलब डिस्काउंट रहेगा। जैसे यहाँ पे एक्चुअल कर रहे हैं, यहाँ पे हम 5, एक्चुअल हम 6 करेंगे यहाँ पे, ठीक है। और इन्होंने कहा कि ठीक है बाय 5 गेट 1 फ्री, ठीक है, बाय 2 गेट 1 फ्री, आप यहाँ पे बाय 5 हम लोग कर रहे हैं यहाँ पे, मतलब 5 खरीद रहे हैं तो उसके साथ में एक फ्री मिला, तो एक्चुअल कितनी क्वान्टिटी हमारे पास आ रही है, 6 आ रही है, बिल कितने का हम करेंगे यहाँ पे 5 का, ओके। और यहाँ पे रेट हम कर देंगे 10,000, ठीक है। अब देखिए एक्चुअल हमारे पास 6 है ना, बट बिल हम कितने करें 5 का, तो देखिए यहाँ पे 50,000 शो कर रहे हैं, है ना, 5 हमने एक्चुअल बिल किया है तो एक्चुअल कितना 6 है, यहाँ पे 60,000 होना चाहिए था, बट यहाँ पे एक फ्री ऑफ कॉस्ट है तो आपका बिल कितने करना है 5 का करना है, तो आपको 50,000 यहाँ पे शो कर रहे हैं, ठीक है। और इसको हम कर देंगे यहाँ पे एक्सेप्ट, ठीक है, हमने यहाँ पे ऑर्डर कर दिया है, ये आपका हो गया एक्सेप्ट, ठीक है। तो अब देखिए, अब यहाँ पे अगर हम पेमेंट चेक करेंगे यहाँ पे जाकर के, गेटवे ऑफ टेली पाएंगे, DAL करेंगे यहाँ पे, ठीक है, और क्या था नाम यहाँ पे, अजय मोबाइल यहाँ पे, तो देखिए अभी हमने सिर्फ ऑर्डर किया, इन्होंने हमारे पास सामान डिलीवरी नहीं की है ना, जब डिलीवर करेंगे तो हमारे पास यहाँ पे अमाउंट शो करेगा। तो इस तरह आप यहाँ पे जाकर क्या कर सकते हैं, आप कोई भी सामान को मंगा सकते हैं और उसमें एक्चुअल और बिल क्वांटिटी का यूज़ करके, ठीक है। एक्चुअल मतलब जितना आपको जो आपको फ्री वाला मिल रहा है उसको भी काउंट करके जो एक्चुअल होगा वो आपके पास आ रहा है, ठीक है। और बिल कितने का करेंगे हम लोग, जितना हम लोग उसको परचेस किए हैं, मान लीजिए हमने 3 लिया है उसके साथ 1 फ्री था, तो आपके पास एक्चुअल है 4 आइटम है, बिल कितने का दिया आपने यहाँ पे 3 का दिया है, ठीक है। तो ये होता है डिफरेंट बिटवीन एक्चुअल एंड बिल्ड क्वांटिटी, ठीक है, आप बिल कितने का पेमेंट कर रहे हैं और एक्चुअल कितना सामान आपके पास आ रहा है, ओके ओके फ्रेंड्स। आई होप आपको हमारी वीडियो पसंद आई होगी, अगर वीडियो पसंद आई है तो प्लीज़ आप हमारी वीडियो को लाइक करिए, शेयर करिए और कमेंट करिए, ठीक है। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, थैंक यू।